मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने को लेकर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झामुमो की ओर से ईडी कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। मुखर संवाद ने झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है और इस समय राजनीतिक हालात झारखंड के संकट से दिखाई देते हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस समय हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। सुप्रियो जी, ये बताइए, ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, इन परिस्थितियों को क्या देखता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और आगे क्या सोचता है? देखिए, हम देखना क्या है, संघर्ष से पैदा हुए लोगों को ये चुनौतियाँ बहुत छोटी होती हैं। जो भी चुनौती होगा उसका मुकाबला किया जाएगा समय अनुसार। ईडी की ओर से कहा जा रहा है कि अवैध उत्खनन मामले में अब मुख्यमंत्री से पूछताछ होगी और उनके जो चेकबुक बरामद हुए हैं जो पंकज मिश्रा से, और कई एविडेंस हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं इसको? नहीं देखिए, वो तो ईडी का कहना है ना, वो तो सारी बातें न्यायालय में डिसाइड होगी। जनता की अदालत में तो हम लोगों के पास पे मैंडेट है, तो वो मैंडेट का हम लोग सम्मान करते हैं। क्या कल मुख्यमंत्री जाएंगे वहाँ पे पूछताछ में शामिल होंगे? अभी मुख्यमंत्री जी का, उनके जो लीगल जो टीम है उनकी क्या सजेशन है, उस सजेशन को देखने के बाद ही तय होगी। ये बाबूलाल मरांडी ने जो ट्वीट किया है और जो सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अब सत्य सामने आ गया है, उनके बोलने से इस्तीफा दे दें, दल बदल करके तो मुंह छुपाए फिर रहे हैं बाबूलाल जी। तीन शेड्यूल पे तो इतना लंबा चौड़ा बात कर रहे थे पिछले 5 साल तक, क्यों नहीं इस्तीफा दिए? पहले खुद इस्तीफा दे के दिखाया, पुनः निर्वाचित होकर दिखाया, तब इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये आप लोगों को लगता है कि पहले बीजेपी भी सत्ता में नहीं थी जब केंद्र में, तो सीबीआई और ईडी जैसे संस्थाओं को वो भी कभी तोता कहते थे, आप लोगों को भी लगता है कि क्या केंद्र के इशारे पर सारी चीज़ें होती हैं और एक तरह से उनके इशारे पर ये संस्थाएं काम कर रही हैं? बहुत जाहिर सी बात है, आज ईडी कहाँ कहाँ सक्रिय है, सीबीआई कहाँ कहाँ सक्रिय है, एक भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में है क्या? और कौन सा गैर भाजपा शासित राज्य है जिसमें वो सक्रिय नहीं है? तो साफ जाहिर हो जाता है, यानी जाहिर है कि संस्थाएं सत्ता को भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में डालती हैं। देखिए, इनका काम ही है इस तरह से मैनिपुलेट करना, लोगों को डिस्टर्बलाइज करना, ये इनका एक नया चरित्र सामने आया। अब जब मुख्यमंत्री अगर सीडी कार्यालय जाएंगे तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का क्या रुख है? नहीं, लोगों में क्षोभ है आज के अखबार के बाद से, लोग बराबर बोल रहे कि क्या करना है क्या करना है। हम लोग तय करेंगे, शाम को बैठेंगे हम लोग, जो निर्णय होगा बताया जाएगा। मतलब ये जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने घेराव किया था सोनिया गांधी अलावा, किसी और पार्टी का क्या कार्यक्रम है और हमारा क्या कार्यक्रम है वो अलग अलग होगा, हमारा कार्यक्रम हम तय करेंगे। लेकिन अब लगता है आप लोगों की लंबी लड़ाई और आंदोलन की बातें भी करेंगे? अब निश्चित तौर पर लंबी लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये संघर्ष शुरू है। क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही या केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ भी जिस तरह का माहौल है उसमें? देखिए, जो भी सामंतवादी शक्ति है उनके खिलाफ हम लोग 4 दशक तक लड़के इस राज्य को लिए और इस राज्य को भी बचाए बनाए रखने के लिए एक नया संघर्ष हम लोगों को करना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। ये तो सुप्रियो भट्टाचार्य जो बता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लंबे संघर्ष के बाद झारखंड राज्य की
के गठन को मंजूरी दिलवाई और ऐसे में एक बार फिर ईडी, सीबीआई और तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं साथ ही बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाने की घोषणा कर रहे हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह, मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।